हेलो दोस्तों, वर्टिस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं और मैंने चार लेक्चर रेशियो के पढ़ाए हैं आप लोगों को, तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो जाकर आप प्रीवियस जो लेक्चर मेरे हैं वो आप जाकर देखिए, आप लोगों को बहुत समझ में आएगा। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि रेशियो के क्वेश्चन हमने बहुत लगा लिया है, अब प्रोपोर्शन के क्वेश्चन भी लगाएंगे और उसके क्या कॉन्सेप्ट है उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्या करते हैं, क्वेश्चन पे सीधे आते हैं। ठीक है, तो प्रोपोर्शन है क्या? जैसे कि अगर ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी लिख दिया जाए, तो ये जो अनुपात है इन दो एलिमेंट का, ए और बी का और सी और डी का जो अनुपात है, अगर ये अनुपात बराबर है तो इसी को बोलेंगे समानुपात, यानी कि प्रोपोर्शन। इसका मतलब ये हुआ a अपान बी इज इक्वल टू क्या होगा, c अपान डी, करेक्ट। यानी a बटे बी बराबर होगा c बटे डी के, इसी अनुपात को हम समानुपात कहते हैं। ठीक, दूसरी चीज़, अनुपात के भी समानुपात तीन तरीके से निकाले जाते हैं, इसके थ्री टाइप होते हैं मेनली, वैसे फोर टाइप होते हैं, इसके फोर टाइप होते हैं। पहला क्या है, फर्स्ट प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन यानी कि प्रथमानुपात, प्रथमानुपात। उसके बाद आता है मिड प्रोपोर्शन, मिड प्रोपोर्शन यानी कि मध्यानुपात, मध्यानुपात। और आता है थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन यानी कि तृतीयानुपात, तृतीयानुपात। फर्स्ट प्रोपोर्शन, मिड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, इन तीनों को जब हम दो संख्याएं हमें दी रहती है, ए और बी मान लो दो संख्या दे रखी है, तब आप प्रथमानुपात निकालेंगे, मध्यानुपात निकालेंगे और तृतीयानुपात निकालेंगे। लेकिन जो चौथा केस है यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब चतुर्थानुपात, चतुर्थानुपात, इसको निकालने के लिए तीन संख्याएं होनी चाहिए, यानी कि ए बी सी। प्रथमानुपात, मध्यानुपात और तृतीयानुपात निकालने के लिए दो संख्याएं और चतुर्थानुपात निकालने के लिए तीन संख्याएं होनी चाहिए, तभी आप निकाल सकते हैं। मैं सबके आपको फार्मूले बताता हूं, उसके बाद इस पे क्वेश्चन लगवाऊंगा। प्रथमानुपात निकालने के लिए दो संख्याएं दी रहेंगी ए और बी, तो प्रथमानुपात का फार्मूला कैसे बनेगा, हमें प्रथमानुपात नहीं पता है लेकिन ए और बी पता है, यानी यहाँ पे पता नहीं है पहला एलिमेंट, दूसरा ए समानुपाते ए अनुपाते बी, यहाँ से ये क्वेश्चन मार्क है, यानी कि प्रथमानुपात, फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या बन जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका बटे इतना बराबर ए बटे बी, वही होता है, यानी इन दोनों का मल्टीपल करते हैं और इसका इसका मल्टीपल होता है, यही चीज़ हो गई। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन यहाँ से क्या फार्मूला बन जाएगा, इन दोनों का मल्टीपल यानी कि ए स्क्वायर बटे बी, क्योंकि मुझे फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना तो बी यहीं रह जाएगा, तो ए स्क्वायर अपान बी, ये फार्मूला हमारा बन जाएगा पहले अनुपात यानी प्रथमानुपात का। अगर मिड प्रोपोर्शन निकालना हो तो मिड प्रोपोर्शन यानी कि मध्यानुपात, मध्यानुपात, सेम केस, यही यहाँ भी दो संख्याएं दी रहेंगी आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, मिड प्रोपोर्शन निकालना है, यानी कि ए अनुपात एक्स समानुपात एक्स अनुपात बी। यहाँ से देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स का एक्स के गुणा होगा और ए का बी के साथ होगा गुणा, यहाँ से क्या निकल आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, यही होगा, ए अपान एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स अपान बी,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बात वही होती है, अंदर का अंदर गुणा बाह्य पद का बाह्य पद के गुणा बराबर होता है ना। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ए बी, यानी जो हमारा मध्यानुपात है वो रूट ए बी के बराबर होगा, ये हमें फार्मूला पता चल गया। ठीक है, इसके आगे मैं तृतीय अनुपात बताता हूँ, आप लोग तब तक नोट करिए इसको, उसके आगे मैं आप लोगों को तृतीय अनुपात बताता हूँ। तृतीय अनुपात में देखिए क्या करना है, यहाँ भी संख्याएं आपको दो दी रहेंगी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था दो संख्याएं दी रहेंगी। इसमें क्या करेंगे आप, इसमें ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात, हमें ये थर्ड प्रपोर्शन निकालना है यानी तृतीय अनुपात। तो इसमें क्या होता है, वही केस जैसे मैंने आपको बताया था, अंदर अंदर का पद का गुणा करेंगे बाहर का बाहर से, यहाँ से तृतीय अनुपात क्या निकल करके आएगा, बी स्क्वायर अपान ए। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, थर्ड प्रपोर्शन तृतीय अनुपात। ठीक है, ये फार्मूला बन गया बी स्क्वायर अपान ए। अब आप लोग याद कैसे करेंगे, याद करने का सबसे बेसिक तरीका क्या है, जब बोले आपको प्रथमानुपात, तो प्रथमा यानी फर्स्ट, फर्स्ट ए से शुरू होता है यानी ए स्क्वायर अपान बी रखना है, और आपको तृतीय अनुपात बोले तो आपको बी स्क्वायर अपान ए रखना है। एक याद हो जाएगा तो उसका अपोजिट ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और रही बात मध्यानुपात की, तो मध्यानुपात रूट ए बी। ठीक है, बात क्लियर हो गई, प्रथमानुपात ए स्क्वायर अपान बी, मध्यानुपात रूट ए बी, और तृतीय अनुपात बी स्क्वायर अपान ए। ओके, एक और बचा हुआ है यानी कि चतुर्था अनुपात, मैं उसका भी फार्मूला बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नोट कर लो आप लोग। तो चतुर्थानुपात में क्या करना रहता है, जैसा कि मैंने बताया था, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहली बात तो ये तीन संख्याएं दी रहेंगी आप लोगों को। अगर तीन संख्याएं दी रहेंगी और पूछ रहा है कि चतुर्था अनुपात बताइए, तो ये फार्मूला कैसे बनेगा, ए अनुपात बी समानुपाते बी अनुपात नहीं सी अनुपात, सी अनुपात फोर्थ का निकालना हमें। ठीक है, वही केस इसमें हो जाएगा, अंदर अंदर का गुणा यानी अंदर के पद का गुणा और बाहर के बाहर के साथ गुणा, है ना। यहाँ से चतुर्थ अनुपात बन जाएगा फार्मूला, बी और सी यानी बी सी अपान ए, यह फार्मूला बन जाएगा। अब आप लोग को चारों फार्मूले याद रखने हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में आते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, पहला प्रथमानुपात क्या बताया मैंने, ए स्क्वायर अपान बी, मध्यानुपात रूट ए बी, तृतीय अनुपात बी स्क्वायर अपान ए, चतुर्था अनुपात बी सी अपान ए, बी सी अपान ए। ठीक है, चलिए मैं इस पर क्वेश्चन कराता हूँ तो आप लोग को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर एक दिया गया है, 10 और 20 का प्रथमानुपात ज्ञात कीजिए। तो 10 और 20 का क्या मतलब, ये ए दे रखा है और ये बी दे रखा है, इतनी बात तो क्लियर हो गई, ए और बी एलिमेंट दे रखे हैं। तो प्रथमानुपात का क्या फार्मूला मैंने बताया था, फर्स्ट प्रपोर्शन प्रथमानुपात, याद आ रहा है कुछ क्या बताया था, फर्स्ट नंबर आ जाए तो ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर अपान बी, यही प्रथमानुपात का फार्मूला हो जाएगा। ए का मान क्या है, यहाँ पर देखो 10 है क्या, तो 10 को आप दो बार लिखोगे 10 गुणे 10, अपान बी का मान 20 है, कैंसिल आउट करो 10 टू जा 20, 2 5 जा 10, यानी कि 5 आ गया। प्रथमानुपात कितना आ गया, 5 आ गया। बहुत सिंपल है फार्मूला, अगर याद हो तो कुछ भी नहीं है, नहीं याद हो तो बहुत टफ हो जाएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा करना क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कराता हूँ, इसको नोट करो, उसके बाद और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 36 और 16 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। तो मध्यानुपात का फार्मूला क्या होता है, रूट ए बी। 36 कितना है, ए दे रखा है 36 और बी दे रखा है 16, तो आप मान रख दीजिए डायरेक्ट, मध्यानुपात का फार्मूला क्या होता है, रूट ए बी, आप मान रखिए, ए का मान 36 गुणे बी का मान 16। अब 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का होता है, 36 किसका स्क्वायर होता है, 6, तो 6 बाहर आ जाएगा गुणे 16 किसका होता है, 4 का। ठीक, तो 6 चौक 24, तो आंसर क्या आ गया मध्य अनुपात का, 24 आ गया, बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 10 25 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तृतीय अनुपात निकालना है। कुछ याद आ रहा है फार्मूला क्या था,
प्रथमानुपात का था ए स्क्वायर अपान बी, मध्यानुपात का रूट ए बी, तृतीयानुपात का मतलब बी स्क्वायर अपान ए। अब बी का मान क्या है यहाँ पे 25 है, जो बाद में दे रखा है वही बी का मान है, पहले तो जो दे रखा है वो ए का मान है। तो बी स्क्वायर का मतलब 25 × 25 अपान ए का मतलब 10। कैंसिल आउट कीजिए आप, 5 से काटिए, 5 से 5 × 25 5 दुना 10, ठीक है, 25 × 5 = 125 हो जाएगा बटे 2। डिवाइड करिए, 2 × 6 = 12, 2 × 4 0.25 × 10 62.5, या अगर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में लिखना तब भी लिख सकते हो, 62 = 1/2। तो ये भी आंसर सही है, चाहे मिक्स फ्रैक्शन में लिखो चाहे डेसिमल में लिखो, ठीक है। तो तृतीयानुपात भी मैंने बता दिया क्वेश्चन, मध्यानुपात भी बता दिया क्वेश्चन, और प्रथमानुपात भी बता दिया क्वेश्चन, आप लोगों को इतने से क्लियर हो रहा होगा। अब एक स्टेप आगे चलते हैं और थोड़ा सा लेवल पे आते हैं जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, आप लोग नोट करिए, उसके बाद में और अच्छा क्वेश्चन मैं कराता हूँ। एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ बेसिक का, जैसे मैंने फर्स्ट प्रथमानुपात बता दिया और मध्यानुपात बता दिया, तृतीयानुपात बता दिया, तो एक बचा रह गया था चतुर्थानुपात, तो इस पर भी कर लो ताकि बात क्लियर हो जाए। क्वेश्चन दे रखा है 72, 168, 150 का चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए, यानी फोर्थ प्रपोर्शन। तो इसका फार्मूला पता हो तो बात बन सकती है, अगर फार्मूला याद हो, क्या हो सकता है फार्मूला, बी सी अपान ए। तो बी क्या है इसमें, बी ये ए दे रखा है, ये बी और सी, तो बी का मान है 168 इंटू सी का मान है 150 अपान ए का मान है 72। अब इसको क्या करना है, कैंसिल आउट कीजिए, ठीक है, किससे करेंगे, 4 से नहीं जाएगा ना 2 से कैंसिल आउट कर लीजिए, चलो 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, ठीक है, 4 से जा रहा है डायरेक्ट, 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4, 4 × 9 = 36, अभी भी 3 से कैंसिल आउट हो रहा है ना, एक बार लिख लो, एक काम करो 21 × 150 अपान 9। अब इसे 3 से कैंसिल आउट कीजिए ना, 3 × 7 = 21, 3 × 3 = 9, और यहाँ देखिए 3 से कैंसिल आउट हो रहा, 3 × 5 = 15 और 0, कितना बच गया, 7 × 50 यानी कितना आ गया 350, है ना, 7 × 5 = 35 350, यानी कि चतुर्थानुपात कितना आ गया हमारा 350, ठीक है। तो ये था बेसिक क्वेश्चन, इसके आगे और थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे लेवल का लगाते हैं। वैसे ये भी पुलिस में पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि मतलब ये हलवा क्वेश्चन में जैसे बोल दिया नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन फार्मूले नहीं पता रहेंगे तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए टफ हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेट सीटेट में भी पूछे जाते हैं, पुलिस में भी पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको लगाइए और मैं आगे क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ। जैसा कि क्वेश्चन दे रखा है, 2 ऐसी संख्याओं को ज्ञात करें जिसका औसत आनुपातिक 18 और तीसरा आनुपातिक 144 हो, ऑप्शन दे रखा है, ये ट्राई कीजिए आप लोग, एक बार लगाने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है, देखिए सोचिए। जैसा कि मैंने फार्मूला बता ही दिया है, तो क्या बताया इसमें, दिया क्या है, औसत आनुपातिक 18। औसत आनुपातिक का क्या मतलब होता है, यानी कि ये मध्यानुपात दे रखा है, मीन प्रपोर्शन मध्यानुपात दे रखा है, जो कि फार्मूला होता है ए बी, ठीक है, यही रूट ए बी किसके बराबर दे रखा है, 18 के। तो ए बी बराबर कितना होगा, 18 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि कितना होता है 324 है, 324 हो गया ए बी का मान। आप क्या करें सर, तो तीसरा अनुपातिक दे रखा है 144। अच्छा एक बात देखो आप लोग, क्या भाई ऑप्शन से हम लोग कर सकते हैं क्या, दिमाग लगाने क्या जरूरत है कि तीसरा अनुपातिक लेके बी स्क्वायर अपान ए इजकल टू 144, फिर वहाँ से ए बी का मान लेके यहाँ रखेंगे। आप भाई ऑप्शन चेक करिए, अगर भाई ऑप्शन चेक करते हैं, देखिए मान तो ए और बी का ही होगा, यहाँ पे ए और बी का ही मान दे रखा है, तो ए और बी का मल्टीपल तो है यहाँ पे हमें पता, 324, देख लो मल्टीपल से काम चल जाए तो चला लो, इसका गुणा करो 9 × 2 = 18, लास्ट में 8 आता है, तो ये तो होगा नहीं, 9 × 6 = 54, लास्ट में 4 इकाई का अंक आता है, तो ये हो सकता है, 3 × 8 = 24, ये भी हो सकता है, 12 × 6 = 72, तो ये भी नहीं हो सकता, यानी यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ए और डी नहीं होगा। बी और सी में देखो 18 तियाँ कितना होता है, 54 होता है,
यहाँ 54 से ज़्यादा आ रहा तो ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 36 × 9 करेंगे आप तो 324 ही आएगा। तो भाई ऑप्शन देखिए, एक मिनट भी नहीं लगा, तुरंत आपने कर दिया। और जिनको शौक है तो उनके अगर कर सकते हैं। तीसरा अनुपातिक लिखिए आप, तीसरा अनुपातिक फार्मूला पता है हमें, b² / a, जो कि किसके बराबर, 144 के। यहाँ से आप क्या करिए, b² का मान रख दीजिए, 144 से ये उठा के यहाँ पे रख दीजिए b² का मान। पहले तो आपको इसको स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं बनाना चाहते तो a का मान ला के यहाँ रख दीजिए। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप b का मान रखेंगे, फिर a का मान रखेंगे, फिर निकालेंगे तो 2 मिनट लग जाएगा। कोई मतलब नहीं, बाई ऑप्शन से जाइए, सबसे सटीक तरीका, ठीक है। चलिए फिर उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, बाकी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर, प्रोपोर्शन के ऊपर, कुछ इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पॉपुलर भी है कि समानुपात में संख्या दी रहती है और उसमें कहता है कि कुछ जोड़ा जाए और कुछ घटाया जाए तो समानुपात में हो जाता है, तो संख्या क्या घटाएगी या क्या जोड़ेगी, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं इसमें समानुपात में। और इसमें भी एक फार्मूला यूज करते हैं हम लोग, कंपोनेंडो डिविडेंडो, यानी योगांतरानुपात का फार्मूला यूज करके हम क्वेश्चन को लगाएंगे। और ये क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। बाकी आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा पहले का तो आप लोग जाके देखिए, आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि अगर आपको मैथ पढ़नी है सच में, दिल से पढ़नी है और अच्छे से पढ़नी है और एग्ज़ाम भी निकालना है, तो आपको अनुपात अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि ये परसेंटेज में यूज होता है, फिर उसके बाद टाइम वर्क में, उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे प्रॉफिट लॉस में, सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो ये हर जगह यूज होने वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप जाके मेरे जो वीडियो हैं पीछे के पहले वाले, वो आप जाके देखिए। और अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।